हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है फिर एक बार सुपर हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले के आइडोस 380 गेम के बारे में और बाकी यहाँ पर रियल क्रिएट 20 और WC3 के बारे में भी बात करते जाएंगे। एंड ये जो बना रहे सेकेंड एपिसोड है संडे सुपर न्यूज़ का, तो इसलिए सपोर्ट करते रहे ऐसे ही। तो चलो यार, यहाँ पर बात करते जाते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाने के साथ ही ऑल पर क्लिक करके रखिए ताकि आने वाले वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो गाइस, यहाँ पर बात कर लेते हैं यार आइडोस 380 गेम के बारे में। गाइस, यहाँ पर बहुत सारे लीक्स निकल के आ रहे हैं एंड इस गेम के बारे में बहुत कुछ यहाँ पर बातें हैं बोलने के लिए। तो इसको पूरा का पूरा यहाँ पर कम्प्लीटली बात करते जाएंगे इसके बारे में। तो गाइस, यहाँ पर आइडोस 380 गेम जो अभी 32 डेज बाकी है यहाँ पर रिलीज़ होने के लिए, तो जिनका आप ऑफिशियल पेज में जाकर देख सकते हो कि यार कितना दिन बाकी है। तो यहाँ पर आपको मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, तो उसको आप देख सकते हो। यानी कि अभी 32 डेज यहाँ पर बाकी है, यानी कि ओवरऑल 33 डेज बोल सकते हो क्योंकि 22 आवर्स। तो मतलब कि आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो इस गेम के लिए। एंड अभी तक प्री रजिस्टर नहीं किया तो प्री रजिस्टर कर सकते हो प्ले स्टोर के अंदर जाकर। तो यार देखते हैं कि यार गेम कैसे हो पाता है। तो पिछले कुछ दिन पहले मैटिव एडन ने कुछ यहाँ पर वीडियो डाला था जिसमें बोला कि यार मैटिव एडन जो यहाँ पर कमेंट्री करने वाले आइडोस 380 गेम के अंदर। तो गाइस, इससे पता चलता है कि यार आइडोस यानी कि आइडोस 380 गेम में हमको मैटिव एडन का कॉमेंट्री हमको कन्फर्मली देखने को मिल जाता है। तो इसके बारे में मैटिव एडन ने क्या बोला है ये भी हम दिखाते जाएंगे। तो उससे पहले बात कर लो कि यार कुछ लोग ये भी क्वेश्चन आ रहे थे कि भाई इसमें हिंदी कॉमेंट्री आएगा क्या। तो यार हिंदी कमेंट्री आ सकता है, बट यार मैटिव एडन का हिंदी कमेंट्री तो भाई कैसे आ सकता है। मैटिव एडन तो भाई अभी हिंदी सीखना पड़ेगा हिंदी कमेंट्री आने के लिए। मतलब इनका बोल रहा हूँ मैं, मतलब कि यार कॉमनली कमेंट्री आ सकता है हिंदी कमेंट्री। या तो ऐसे भी हो सकते हैं कि यार जो ये गेम बना रहे क्रिएटिव मंकी गेम्स, जो कि यार इनका WCB2 है, यही कॉमेंट्री को यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं हिंदी कॉमेंट्री के लिए। तो यार एग्जैक्टली देखते हैं कि यार क्या कर पाते हैं यहाँ पर WCB2 वाले। तो यार बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है हम तो। अभी तो यार 32 डेज वेट करने पड़ेगा, उसके बाद ही पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पर क्या क्या होने वाला है। एंड यहाँ पर एक मेन बात बताओ कि यार जो भी क्रिकेट गेम्स खेलते हैं वो इंडिया में ज़्यादा खेला जाता है, तो इसलिए भाई जो इंडियन ऑडियंस है वो हिंदी कॉमेंट्री सुनना पसंद करती है। तो यार हिंदी कॉमेंट्री होना ही चाहिए। तो देखते हैं कि यार क्या कर पाते हैं एंड क्या नहीं है। एंड यहाँ पर मैटिव एडन ने क्या बोला है ये भी आप देख लीजिए। For Hados 380, so check out my behind the scenes clip and head to, of course, Google Play or www.hados380.com to pre-register now. Well, we're having a bit of fun here. It's all happening here in studio. We've got action aplenty, so we'll catch you out on the pitch this April. This is just basic stuff. Some of the best hands in the game, and he proves it once more. A great catch, dismissed off the first ball. That can't be a good feeling. In fact, I know it isn't. He has played so far. The crowd most certainly on its feet, enjoying a great spectacle. What a wild dash for glory, but no glory here, says the umpire. He's out. He's run out, and it's a long walk back to the pavilion. Finding Yorker, the old toe crusher. Oh, that's a peach of a delivery, and he's gone. It sent the bales flying all around. Look at him go, he's unstoppable. He's trying to get under it, but what a catch! Great agility from the fielder there. A real juggernaut of an innings. Looks like there's no stopping him. Double century, that's a record 300 runs from the batsman. Oh, what a shocker. And up goes the umpire's finger. Gee, hang your head in shame, Tom Dooley. तो इतना था आइडोस 380 के बारे में। तो अभी यहाँ पर बात कर लेते हैं क्या रियल क्रिएट 20 के बारे में। 21 के बारे में नहीं, बस 20 के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि रियल क्रिएट 21 के अंदर जो है यार बहुत कुछ फीचर्स तो आने वाले, वो अलग बात है। यहाँ पर रियल क्रिएट 20 का बात करूँ तो यार देखो कि यार इसमें जो है अपडेटेड स्क्वाड नहीं है एंड IPL आने वाला है। तो जैसे कि इन्होंने बोला है कि यार जो मतलब कि रियल क्रिएट 21 है वो तो भाई IPL के ड्यूरिंग आने वाला है, तो मई में भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है, बट यार IPL के पहले तो नहीं आएगा। तो उससे पहले यहाँ पर रियल क्रिकेट 20 के अंदर एक अपडेट आपको देखने को मिल सकता है जिसमें कि यार आपको अपडेटेड स्क्वाड्स देखने को मिल सकता है, क्योंकि यार इसमें जो है अपडेटेड स्क्वाड्स ने बहुत सारे प्लेयर्स जो है मिसिंग है एंड जो टीम है वही टीम है। अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लूँ तो यार देखो एरन फिंच जो अभी तक यहाँ पर RCB में ही, जो कि अभी अनसोल्ड हो चुके हैं। मुझे पता नहीं कि यार एरन फिंच कौन सा टीम है, आई थिंक अनसोल्ड हो चुके हैं, बट यार RCB में अभी तक आपको एरन फिंच देखने को मिल जाता है। तो आप जाकर देख सकते हो, एक बार चेक भी कर सकते हो।
तो मुझे इतना पता नहीं यार एरन फिंच के बारे में, बट यार मैं तो देखा हूँ, बट एरन फिंच तो इस साल तो भाई आरएसबी की तरफ से नहीं खेल रहे, बस इतना मैं जानता हूँ। तो यहाँ पर बात करें तो, और देखो इसको तो भाई थोड़ा कुछ अपडेट करना चाहिए तभी तो हमको खेलने में मजा आ जाता है। तो यहाँ पर बात करें तो WCC3 के बारे में, जो कि मैं लास्ट वीक ही कवर किया था WCC3 के बारे में, जो कि यार इसमें भी एक कन्फर्मली एक अपडेट आने वाला है IPL के ड्यूरिंग। तो यहाँ पर कुछ NPL ऑक्शन 2021 आने वाले हैं, तो देखते हैं यार क्या यहाँ पर हो पाता है। एंड जो भी यहाँ पर लोग ऑलरेडी से यहाँ पर परचेस करके रखी है जो कि IPL ऑक्शन 2020, तो उनको 50% ऑफ देखने को मिलेगा। तो बस इतना ही था आज के इस वीडियो के लिए, तो मिलते हैं और एक नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।